हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आउट हुआ है। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि SSC, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन विभाग। इसमें क्या है, पोस्ट है SSC कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी की। और इसमें क्या रहेगी, जो आपकी डिपार्टमेंट होगा किस किस डिपार्टमेंट के लिए है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम BSF कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो टिबेटियन बोल्ड पुलिस ITBI। नेक्स्ट यहाँ पे सहराष्ट्र सीमा बल SSB, सेक्रेटेड सिक्योरिटी फोर्स SSF, राइफल मैन इन असम राइफल्स, सिपाही NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी सफे में ये वाले मुझे अच्छे लगता है। तो अब क्या है इसमें और भी देख लेते हैं, डेट्स वगैरह क्या क्या। टोटल वैकेंसीज 85,000 प्लस रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो ऑल इंडिया से मेल और फीमेल्स दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी का लेवल 3 पे रहता है, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रखी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मली हर रेलवे के उसमें होता ही होता है मेरे ख्याल से। SSC वगैरह SSC में तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। फिर सेकंड आपका PAT होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे एक चीज़ नहीं निकली है तो वो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होते हैं। और फिर ये वैसी जॉब है सिक्योरिटी फोर्स वगैरह की, तो इसमें आपका वो भी हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका कराया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट कितनी रहती है। तो जो मिनिमम एज लिमिट होती है 18 साल होती है, जो मैक्सिमम होती है 23 साल होती है। एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि OBC वालों को 3 ईयर्स का मिलता है, SC ST वालों को 5 ईयर्स का मिलता है, UR वालों को नहीं मिलता है, PWD वालों को 10 ईयर्स का मिलता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहती है। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए तो 100 रुपये रहती है, बाकी अदर्स जो भी कैटेगरी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहती है। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अगर 10th पास होते हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन होता है PAT और PST होता है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसकी जो अप्लाई है वो जल्दी 2030-2024 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका सिलेबस होता है थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर मैंने एक बार बुक पढ़ी थी, बहुत लंबा रिश्ता मतलब ऐसे निकलते हैं दादी की मामी की, मतलब बहुत लंबा होता है इसका, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सिलेबस। तो आप सभी अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही मैं और इससे रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए ला सकूँ। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होगा मैं डिटेल PDF के साथ आपके साथ वीडियो बनाऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।